यार सोडे में कभी मिर्च का तड़का, ये सुना है आपने? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर मुझे पहली दफा पता चला है कि जी कोल की सोडा में हरी मिर्च डलती है। उफ, ये देखिए आप, हरे मिर्च को काट के एक को तो साबित ही डाल दिया और बाकी को टुकड़े टुकड़े करके डाला। अच्छा, सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि एक तो उसको देख कर मुझे पानी आ रहा है, लेकिन आपको बहुत ही चिल पिल सा मजा आएगा इसको पीने के बाद। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा मजे का था, क्योंकि मिर्च और नींबू और सोडा, जूस माफिया पे मतलब जूस माफिया पे जो है वो सिर्फ कोल की सोडा नहीं मिलता है, बल्कि ब्लूबेरी सोडा और कोक कोला सोडा भी मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोल की सोडा चलता है, तो इसलिए मैंने कोल की सोडा तो आपको दिखा दिया कि वो कितना मज़े का लगता है। यार उसको देख कर ही बहुत मज़े का लग रहा था मुझे। अब आ जाए यहाँ की हिट प्रोडक्ट की तरफ, जिसको कहते हैं फालूदा, मतलब सॉरी चॉकलेट कैडबरी चॉकलेट शेक। तो उसमें सबसे पहले तो आइसक्रीम एंड ऑल पर्पस दूध, और उसके साथ ही जो है वो किटकैट। इसको जो है भाई उस बंदे ने जो यहाँ के वह मेन कारीगर हैं, उन्होंने उनको ग्राइंड किया, और उसके बाद जो मज़े का सीन है वो है उसकी ड्रेसिंग का। तो वो ड्रेसिंग में मैं बोलूंगी नहीं, वो आपको देखना है, ठीक है? ₹20 सेम है।
यार यहाँ पे एक और चीज जो है ना वो बहुत मजे की है, एक तो ये तो मजे मजे के सीरप्स भी रखे हुए हैं। छोड़े इन सीरप्स को, आ जाए जरा मजे की चीज की तरफ, वो है डबल चॉकलेट फालूदा। और डबल चॉकलेट फालूदा का सीन ये है कि एक तो उसके अंदर चॉकलेट आइसक्रीम तो उसके अंदर है ही, सबसे पहले तो कप ही इतना खूबसूरत पीस सजा देते हैं, उसके बाद उसके अंदर चॉकलेट आइसक्रीम तो है ही और उसके साथ फालूदा और उसके साथ मतलब यार चॉकलेट की इतनी मिकदार डाल देते हैं उसके अंदर कि अगर आप चॉकलेट लवर है ना तो बाबू एक ही दफ़ा खाएंगे आप और शेयर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है उसके बाद फिर अगले महीने बारी आएगी कोई भी चॉकलेट टाइप चीज़ खाने की। तो चले मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, आपको ये देखना है कि कैसे बन रहा है कि चॉकलेट डबल चॉकलेट फालूदा, उफ यम्मी सा। यार इसकी ड्रेसिंग भी बड़ी मज़े की है और बड़ी केक शेक लगा के देते हैं। और इसकी कीमत भी मैं आपको इतना बता दूं कि इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 350 या इसके अतराफ की कीमत थी इसकी, तो वो तो बहुत ही मज़े की एक चीज़। अगर आप खा ही रहे हैं तो भाई पैसे, बंदा अगर चीज़ अच्छी हो ना तो बंदे की जेब से पैसे निकल ही आते हैं। वैसे आप लोग इसकी ड्रेसिंग को इन्जॉय करें, मेरे मुँह में पानी आ रहा है अभी। जूस माफिया पे अगर आपको जो है वो कुछ और ट्राई करना है तो आप यहाँ पे कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल कॉफ़ी यार हर जगह ही मिल जाती है तो कॉफ़ी ना भी पिए तो चलेगा, लेकिन डबल चॉकलेट फालूदा और कैडबरी शेक और कोल्ड की सोडा ये तो एक्सक्लूसिव है। मैंने इनमें से ट्राई किया है कैडबरी चॉकलेट शेक, तो आई लव्ड इट। और आप लोग कॉफ़ी बनते देखें उसके बाद फिर आ जाएं ज़रा मेरे पास, क्योंकि मैं इस वक्त चस्के ले लेके खा रही हूँ कैडबरी चॉकलेट शेक और मैं आपको फिर बताऊँगी कि वो कैसा है। ठीक है, बस कलर खराब ना ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक टेप है।
यार मैंने आपको दिखा दिया है किटकैट शेक, मैंने आपको दिखाया कॉफ़ी, और जो सबसे कलरफुल चीज़ थी वो थी सोडा। लेकिन उन सब से अच्छा एक जो था वो था एक डबल चॉकलेट क्रीम फालूदा। लेकिन यार उसको तो देखकर ही मुझे लग रहा था कि मतलब इतना मतलब डिलिशियस होगा और डबल चॉकलेट लेयर एंड सब कुछ। लेकिन उन सब में मुझे जो पसंद आया वो है किटकैट शेक। इसका नाम थोड़ा सा शेक ही है और मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। यार किटकैट शेक में यकीन करें जो चॉकलेट का फ्लेवर है और किटकैट का जो जायका है और व्हिप क्रीम जो है स्पेशली उसका जो टेस्ट आ रहा है ना उसका कोई जवाब नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो है वो हमें तैयब भाई ने मुख्तलिफ चीज़ें जिस तरीके से टेस्ट कराई उनमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी किटकैट केक और चॉकलेट क्रीम फालूदा। ज़रूर आएँ और ट्राई करें। मैंने आपको बता दिया ये तैयब भाई कितने का है, ये 250 का है, और जो चॉकलेट फालूदा है वो यार इसमें आपको मतलब आपको 250 में जो है वो और क्या चाहिए, मतलब आप जो है ये भी खा रहे हैं किटकैट भी खा रहे हैं क्रीम भी आप इंजॉय कर रहे हैं और पैसे भी बहुत नॉर्मल आ रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद धोरा जी में इस स्ट्रीट का खास नाम है कोई हाँ सॉरी धोरा जी में जमाल नूर हॉस्पिटल के पास जूस माफिया है। आपने यहाँ आना है और पसंदीदा शेक को जो है वो इंजॉय करना है नॉमिनल रेट में और बेहतरीन किस्म का आप जो है वो शेक यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं अपना ये शेक मुकम्मल कर रही हूँ, प्लीज़ नज़र मत लगाएं। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।